सारे भैया ने मेरी राम राम। और आज यहाँ पे दुष्यंत चौटाला जी आए थे, उनके कुछ समर्थक हैं। अब मैं तो पर्सनली किसी को जानता नहीं, पूछ लेता हूँ उनसे। राम राम अंकल जी। राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम क्या जी? हरीश अरोड़ा। अच्छा, तो आज दुष्यंत जी आए थे, क्या कुछ विशेष था जी आज? नहीं, विशेष कुछ था, ये जहाँ दुष्यंत वहाँ हम कार्यक्रम के तहत उनके लिए आज एक स्वागत समारोह रखा गया था। अच्छा जी। जिसमें मेरे 11 नंबर वार्ड से और शहर से और हमारी नई सब्जी मंडी से गणमान्य नागरिक मौजूद हुए, जिन्होंने दुष्यंत जी का स्वागत किया और आश्वासन दिया कि अब जो 28 तारीख का चुनाव होने जा रहा है उसमें तन मन धन से दुष्यंत जी के साथ हैं। वाह जी वाह। मतलब उन्होंने स्पेशल मीटिंग किस लिए की थी? नहीं, स्पेशल मीटिंग कोई नहीं थी। अच्छा, ये सिर्फ कार्यकर्ताओं का जोश था और अच्छा, कार्यकर्ताओं ने ही उनका प्रारंभ किया है। अच्छा, मतलब जीतने का सर क्या लगते हैं आपको? जीतने के जी भारी हो गया आप, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 100% क्यों? मतलब क्या मतलब कारण क्या है लोग आपको वोट दें और पार्टियां भी तो बहुत है? नहीं देखे, दुष्यंत जी का जो है एक तो नया चेहरा है और दूसरा इनके जो स्कीमें हैं जो आज के दिन ये मार्केट में आए हैं, आज के दिन ये लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। कभी थोड़े दिन बाद इन स्कीमों को जुमला कहते हैं लोग? नहीं नहीं नहीं, वो जुमलेबाजी वाले लोग हो रहे हैं। अच्छा, हम नहीं है। देखो ये ऐसा सभी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा जी, ये जुमलेदार पार्टी नहीं है। अच्छा अच्छा, आपका क्या कुछ कहना है जी? मेरा तो यही कहना है कि भाई ये नौजवान पार्टी है, जेजेपी नौजवान सारी पार्टी हुई जी। नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी भी नौजवान पार्टी है। नहीं नहीं, जो हमारे दुष्यंत जी है वो नौजवान नेता सर। अच्छा, बराबरी क्या कर रहे हो आप? बराबरी मत करो आप, दुष्यंत जी की और राहुल जी की बराबरी नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, तो मेरा मन है कौन बेस्ट, कौन है ये बात बोलने की जरूरत है? नहीं, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और मैं किस, दुष्यंत जी ये बोलने की और सुनने की आपको ही पता होना चाहिए। वाह जी, क्या कह रहे राजवान सरपंच? हाँ जी, अपने आप को बोलता हूँ भाई, हिंदुस्तान का युवा सांसद। हाँ जी। और नंबर वन है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है नंबर देने की, वो नंबर वन है। और हमारे जो विचार हैं, नंबर वन कैसे हैं? नंबर वन की कार्यशाली बहुत अच्छी है, लोगों को 36 जात को साथ में लेके चलने वाले सारी जो पार्टी है सारी 36 कोई नहीं लेके चलती जी, वो 5 दिन चल रहा है, बाकी फिर वो सारे नरे हो जाए, फिर वो अब नरे तो मैं कहूंगा ये पार्टी भी होगी। कौन होगी ये? इनेलो और जेजेपी भी होगी। ये अपना एक ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे भाई साहब, अपना क्या कुछ कहना है? जेजेपी बढ़िया पार्टी है। खराब कौन सी है? ऐसे किसी के बारे में गल तो बोल नहीं सकते। अच्छा, कैसे क्यों बोल ले, किसी के साथ दुश्मनी लेने का क्या फायदा? अच्छा, ये बात सही है, बात सही है। राम राम जी। राम राम जी। अपना क्या कुछ कहना है जेजेपी के बारे में? भाई जेजेपी के बारे में यही कहना है, हमारे रईस भाई ने टिकट मिल जाएगी वो फट्टे चक देंगे। अच्छा, हम तो टिकट खाते रह रहे हैं यहाँ पे। अपना क्या कुछ कहना है? जेजेपी जीतेगी जी। जेजेपी जीतेगी? हाँ जी, हाँ जी। कैसे जीतेगी? जीतेगी मतलब यहाँ पे बैठ कर कैसे जीतेगी? नहीं, हम वोट देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। हमारे कुछ युवा साथी हैं जी यहाँ पे भी, देखो एक नंबर के मूड स्टाइल मैंने बड़ा पसंद आया। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ विशेष लगा आज के प्रोग्राम में? नहीं, सब कुछ अच्छा था भाई साहब। सब कुछ अच्छा था, खराब तो कहीं भी नहीं होता। तो कुछ विशेष? कुछ विशेष कुछ नहीं, बस मूछो बताओ ये विशेष। भाई साहब अपना क्या कुछ कहना है? बस युवाओं के साथ चलेंगे, दुष्यंत युवा है। अच्छा भाई, अपना क्या कहना है? जहाँ दुष्यंत वहाँ हम। वाह जी, दुष्यंत तो जाली अभी यहाँ पर अकेले रह गया। तो साथ में तो है ना उनके? अच्छा, साथ अच्छा, तो अच्छा, दिल साथ है उनका, मन साथ है पक्का। अच्छा अच्छा, अपना क्या कहना है अंकल जी? बस जो सारे कहें वही हम कहें, जहाँ दुष्यंत वहाँ हम। अच्छा अच्छा, अपना जी ऐसे 2014 में भी जो एक नौजवानों ने मोदी जी को और हरियाणा सरकार में बीजेपी को लाने का काम किया था, वही अब जोश नौजवानों में दुष्यंत के साथ देख रहा है। और 2019 में दुष्यंत को रोकने वाला कोई नहीं है, नौजवान ही सरकार और कॉन्फिडेंस है सर, क्योंकि जब नौजवानों बड़ी जबरदस्त पार्टियां बड़े जबरदस्त नौजवानों ने मोदी को लाया था तो नौजवान ही नौजवान को लाया। वाह जी वाह। हां जी, बोलना कुछ? बोलो। हां भाई, बोलो कुछ, बताओ आज की पार्टी में। आज की पार्टी आने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। हमारे समर्थकों में बड़ा जोश है और यूं नहीं पता होना क्या है, लेकिन जोश फुल है और कुछ भाग भी रहे हैं। चलो कोई नहीं, हमको नहीं लेते हैं। बाकी ये कार्यक्रम कैसा लगा सब बताना भाई। धन्यवाद। राम राम।